Hello everyone, this is Ruman and I welcome you all to my YouTube channel Ruman Vlogs. And today I'm back with another new video. तो ये हमारा दूसरा वीडियो है. जो पहला वीडियो था वो एक प्रॉब्लम के बारे में था. दिस इज बैंगलोर मैन. मुझे सब फिल्टर होके दिख रहा है क्योंकि मैंने शेडेड वाला ग्लास लगाया है. कोई ना, तो जो पहले वाला वीडियो था अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और यार ये मेरा नया नया चैनल है, नया नया स्टार्टअप है. आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को. तो जो पहला प्रॉब्लम था गाड़ी में वो था उसका फ्यूज़ प्रॉब्लम. उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है तो आप वो देख सकते हैं. जो भी R15M या V4 रखे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना. ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है. तो आज का यही है कि गाड़ी फाइनली सर्विस सेंटर से आ गई है दूसरी बार और 10 दिन बाद. मैं इस गाड़ी को सर्विस पे दिया था लेकिन क्या था सर्विस सेंटर 17th को, तो उस टाइम पे 2-3 का बैंगलोर पे बंद था, तो वीकेंड कर्फ्यू था. तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला था मुझे गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाइए, आप मंडे के दिन आके गाड़ी को छोड़ दीजिए. तो मैं मंडे के दिन गया वापस और गाड़ी वहीं पे छोड़ दिया. और मंडे से पिछले वीक मंडे मैंने दिया था विच वॉज 19th. अभी मुझे गाड़ी मिला है कल जो कि 27th January. तो गाड़ी तो बन गया है. इसका अभी प्रॉब्लम था फ़ैन का, मैं फ़ोटो दे दूंगा. देखिए ये फ़ैन है, ये काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से गाड़ी, जो रेडिएटर फ़ैन है ये, तो ये काम नहीं करने की वजह से गाड़ी ओवर हीट होती थी और थोड़ी सी रफ़ भी होने लगी थी. तो मुझे पता चला कि अगर ये नहीं काम करेगा तो बहुत दिक्कत दे जाएगी इंजन. इसके सीधे हेड पे देखो कैसे जाते हैं ना ये लोग, ना लेफ़्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, कुछ नहीं. इन लोग का ना बहुत प्रॉब्लम होता है यार. तो वही अभी फाइनली 10 दिन लगा उसको. उसका जो पार्ट है वो चेन्नई से आना था बट चेन्नई पे भी स्टॉक नहीं था इसका. तो इसका जो स्टॉक था वो मिला हमको यूपी से, यूपी के कोई सूरजपुर नाम के कोई गांव से. तो वहाँ से सूरजपुर से आया स्टॉक इसका पार्ट. तो ये पार्ट आने में ऑलमोस्ट लग गए 3-4 दिन तो लग गए इनको ऑर्डर प्लेस करके मंगवाने में. सब मिला के पूरे 8 दिन तो लग गए 19th से 27. फाइनली हो गया, आ गया तो बन गई गाड़ी तो. बट यार नई गाड़ी का एक प्रॉब्लम है, कोई भी पार्ट जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है पार्ट सब. तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. पहले कहीं पे भी राइड पे निकलने से पहले हमको छोटी मोटी राइड करके टेस्ट करनी पड़ती है. तो आज इसी के लिए मैं निकला हूँ एक छोटी सी राइड पर. ज़रा दूर नहीं है, मैं कुछ 30-40 किलोमीटर करके जाऊँगा ये वन साइड. और क्योंकि मुझे देखना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिर उसके बाद हम अगर कहीं जाना है तो जाएंगे. यहाँ पे यूजुअली स्पीड चेक पे खड़े रहते हैं. स्पीड चेक हैं नहीं है शायद, हैं खड़े हैं स्पीड चेक वाले खड़े हैं. देखा स्पीड चेक है, नहीं नॉर्मल चेक है, स्पीड चेक नहीं है. यहाँ पे सब बहुत ही ध्यान से आना पड़ता है. वी हैव टू बी केयरफुल हियर. आया बहुत दिन बाद में ये रोड, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे रहता है ये. बहुत पहले से भी मैं देखते आ रहा हूँ यहाँ पे रहता ही रहता है पुलिस. तो थोड़े सा आप अभी शॉर्ट्स को एंजॉय कीजिए जब तक हम आपको हाईवे पे मिलते हैं. ये अभी CTS को निकालने तो दीजिए.
लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आ गए हम रामनगर, वेलकम टू द सिल्क सिटी रामनगर। बट सच बताऊं तो बहुत मज़ा आ रहा है राइड का। अब हम लेंगे यहाँ से एक यू टर्न लेके हम कहीं पे चाय वाय पियेंगे, पी के हम फिर निकल जाएंगे बैक टू बेंगलोर ताज बिरयानी। तो ये सब स्पॉट होता है यार कि क्या बोलते हैं, जब आप लॉन्ग जाते हो तो हमको यहाँ पे खाना खाते हैं हम लोग, या फिर आगे थोड़ा सा और आगे जाने से एक ये मिलता है वहाँ पे खाना खाते हैं। बट इट वॉज एन एक्सेलेंट रिकॉर्डिंग फॉर नाउ। अभी हम आगे कोई चाय की दुकान पे मिलते हैं। मुझे लग रहा है कैमरा शायद ऑफ हो जाएगा, तो बेहतर है मैं ही ऑफ कर देता हूँ। तो एक और बैटरी है उसको लगा के, बैटरी चेंज करके वापस से हम मिलेंगे। बाय। सो ऑल डन, तो कॉफ़ी वॉफ़ी सब हो गया। देख रहे हो मैं डाल के आ रहा हूँ इंडिकेटर सब, फिर भी वो साला मुझे ही घूर रहा है। मैं बताओ क्या बताऊँ मैं। अब इसीलिए ये गांव वाली साइड सब ज़्यादा स्पीड नहीं रह सकते। वो कुछ बोला नहीं क्योंकि उसको भी पता है, देख ही सकता है ना यार गाड़ी निकल रही है बाहर। चलो जो भी, अभी निकलते हैं। चार बज के 5 मिनट है, जितना जल्दी हो सके जल्दी हमको घर जाना है। 2835। अभी जो है ये छोटी सी राइड करने का मेन रीज़न ये है, मुझे वहाँ पे बेसिकली कुछ काम था नहीं, लेकिन आज टाइम था तुमसे एक वीडियो बना लूँ पहला चीज़ तो। और दूसरा चीज़ देखो, अभी तो मैं चैनल पे मतलब यूट्यूब पे नया आया हूँ, पहले था लेकिन उतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था। अभी प्रॉपरली इनिशिएटिव लेके मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मतलब जानकारी चाहिए जो राइड पे जाने से ही पता चलेगा, घर बैठ के नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मैं आया, और अब मैं आया मुझे पता चला कि मुझे पेन वेन का क्या पेन हो रहा है अगर मैं लॉन्ग राइड पे जाऊंगा एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ये 50 किलोमीटर पे इतना मुझे कर रहा है पेन, तो ऑब्वियसली अगर मैं और लॉन्ग जाऊंगा तो मैं समझ सकता हूं कि मुझे क्या होगा नहीं होगा। तो एक छोटा सा तो आइडिया मिल गया कि सबसे पहले तो मुझे राइडिंग के जो ग्लव्स हैं ये ग्लव्स चेंज कर रहे हैं, और मुझे कुछ ऐसे ग्लव्स चाहिए जो हाथ पे एकदम ऊपर वाली साइड सॉफ्ट होने चाहिए अंदर से, और बाहर से प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तो रहने से मेरा काम बन जाएगा। और इसके अलावा सिटिंग पोस्चर में, बैक में, पीठ पे, कहीं पे भी कोई दर्द नहीं है, तो दैट इज़ डिफरेंट। मैं देख रहा हूँ पैरों में कुछ दर्द वर्द है कि नहीं। यार इतनी छोटी सी रेट से कहाँ से कुछ पता चलेगा, मुझे भी निकलना पड़ेगा बहुत जल्द कोई अच्छी सी लॉन्ग राइड पे, तब मुझे समझ में आएगा कि क्या दर्द देती है नहीं देती है। मागड़ी रोड, तुमकुर रोड, ना हमको तुमकुर जाना है ना हमको मागड़ी जाना है, हमको सीधे बेंगलोर जाना है। अच्छी सी हल्की फुल्की सी स्पीड पे हम चलते हैं अभी हमारे रास्ते घर की तरफ। चलो चलते हैं, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब हम करते हैं ख़त्म इस वीडियो को, लेकिन वीडियोस को नहीं, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, एक प्रॉपर सी राइड होगी, तो उसके बाद वीडियोस रेगुलरली होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन अनदर व्लॉग। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पैसा नहीं देना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब टैप करना पड़ता है। अगर आप इतना सभी ना करेंगे तो कैसे चलेगा, कर दीजिए। चलिए बाय।